अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फौजिया एंड यू वाचिंग माय चैनल। आज जो है वो हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? जो कि प्रेगनेंसी होती है, जब उसके अंदर जो पेट में पानी मौजूद होता है बच्चे के इर्द गिर्द, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। उससे क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन जो है वो मिलती है, बेबी को जो है अंदर जो होता है उससे न्यूट्रिशन मिलती है। और जो हमारे पास नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहले जब हमारे पास चल रहा होता है तो आफ्टर 7 मंथ जो है इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि इसकी हम चेक करते हैं कि टमी हाइट कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम दूसरी इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी करके जो है वो चेक करते हैं। सोनोग्राफी के अंदर जो है वो हमें 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको लेते हैं, वहाँ से हमें जो है इसकी कितनी मिकदार है वो पता चल जाती है, ठीक है। उसको काउंट करते हैं, उसके बाद उसको ऐड कर लेते हैं। AFI जो है वो हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए, एवरेज जो है वो 14 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगर वो 10 से 14 है तो वो माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनाज़ है, यानी कि कम है, माइल्ड में है। अगर लेस देन 10 में आ रहा है तो आपका मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमिनाज़ है, ठीक है। अगर 7 से भी कम आ रहा है तो वो सीवियर की तरफ जा रहा है, यानी कि पानी जो है वो बेबी का बहुत ही कम है। अब पॉलीहाइड्रोमिनाज़ क्या होता है? पॉली मीन्स के ज़्यादा पानी जब होता है बॉडी के, बेबी के इर्द गिर्द जो होता है वो ज़्यादा पानी बनना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है? अगर आपके पास 14 से 15 तो नॉर्मल था, अगर 15 से ज़्यादा है तो वो हमारे पास माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनाज़ में आएगा। अगर 15 से 20 है तो वो मॉडरेट है, ठीक है। अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर वो सीवियर की तरफ चला जाता है, ठीक है, सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनाज़। अब इसकी वजूहात जो हैं वो अलग अलग हैं हमारे पास, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी बात करेंगे। ये जो थी एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर ज़रा सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।